आज देश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद दिन है। देश के CDS जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका बलिदान हुआ, जो शहीद हुए। जनरल रावत ने जिस प्रकार सेना को आधुनिकीकरण किया, जिस प्रकार से उन्होंने सेना के बीच में जो हथियार थे उनका आधुनिकीकरण किया, निश्चित रूप से जनरल रावत हमेशा इस देश के युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने काम किया है। जनरल रावत ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के समय जब युद्ध की स्थिति बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि उधर से एक गोली आई तो फिर हमारे जवान गोलियां गिनेंगे नहीं। चीन के साथ जिस समय स्थिति तनावपूर्ण थी, तब उन्होंने चीन को भी इसी प्रकार की चेतावनी देने का काम किया था। जनरल रावत, जिनका उत्तराखंड में न केवल जन्म हुआ अभी तो उत्तराखंड में निरंतर लगातार आकर यहाँ के युवाओं को एक प्रेरित करना, हमेशा से इस प्रकार उन्होंने कार्य किया है। आज जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवान इस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे और देश को इस बहुत बड़ी घटना घटी है उसको सहन करने की शक्ति।